अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हम जो है आज 3D एंजियोप्लास्टी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं शुरुआत में आपसे जानना चाहती हूँ, आसान भाषा में हमें, हमारे सारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर ये 3D एंजियोप्लास्टी होता क्या है। नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। आप कार्डियक डिजीज आप लोग ही जानते हैं कि नहीं, और बहुत अफेक्ट मीडिया, तो उसके लिए जितने नए तरीके निकल पाए वो अच्छा रहेगा। जो एंजियोप्लास्टी एक एस्टेब्लिश टेक्निक है जिसमें कि नस के अंदर जो रुकावट होती है उसको बैलून से खोलते हैं, उसमें स्टेंट जो स्कैफोल्ड टाइप चीज होती है उसको लगा देते हैं कि आर्टरी दोबारा बंद ना हो। अब बात हो रही है कि 3D एंजियोप्लास्टी की, उसकी हमें जरूरत क्यों है और क्यों पड़ी और क्या इसके एडवांटेजेस हैं। एंजियोप्लास्टी जो सिंपल लीजन्स होते हैं उसमें तो आप इजीली कर सकते हैं। सिंपल लीजन मतलब कि एक डिफाइंड एक जगह एक है वहां पर रुकावट है, आप उसको खोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लीजन्स कहलाते हैं कि जो बाइफर्केशन, आर्टरी दो जगह डिवाइड हो रही है, दोनों जगह बंद हो रही है, या मेन नस जो लेफ्ट मेन होती है वो दो में डिवाइड होती है, लेफ्ट डिफिकल्ट होता है और कई बार उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। तो जहां भी कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी का विषय है वहां पर कोई असिस्ट हमें ऐसा मिल जाए कि हम जाके अंदर देख सके कि वहां पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके। 2D एंजियोग्राफी में इट इज 2D, वी सी ऑन अ एक्सरे टाइप ऑफ थिंग, जिसको सीआर बोलते हैं, कि अंदर क्या चल रहा है, इट्स 2D, टू डायमेंशनल। इफ वी हैव द 3D व्यू कि अंदर एग्जैक्टली कहां पर क्या है, जैसे लीजर्स होते हैं आर्टरी के अंदर, वो उसके अंदर जो कंपोनेंट डिफरेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी का लीजन, या किस तरह को इसको हम इसको ठीक कर सकते हैं। कैल्सिफिकेशन है कि नहीं है, अंदर जो प्लेक जो होता है मेन बेसिक एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रोसेस होता है उसका बेसिक जो यूनिट है प्लेक, वो किस किस्म का है, हार्ड है, सॉफ्ट है, प्लेक है कि नहीं है, अगर उसको विषय को पहले से जान सके। उसको कि हम जो नई टेक्निक है काफी टाइम से अवेलेबल, जिसको बोलते हैं इंट्रास्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड या ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जो बाद में ये ओसीटी, एक साउंड बेस्ड है एक इंफ्रारेड लाइट बेस्ड है, उसके थ्रू हम देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं हाउ टू प्रोसीड। जी बिल्कुल, तो अनुराग जी से हमने समझा कि आखिर ये 3D एंजियोप्लास्टी क्या है। अनुराग जी के पास ले जाते हैं, आयुष जी से फिर एक बार जुड़ेंगे। अनुराग जी, आपसे पूछना चाहूंगी सेम सवाल कि किन पेशेंट्स को आप ये रेफर करते हैं? ये पेशेंट जिन पेशेंट में ये चीजें करते हैं जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहलाता है, जो हार्ट अटैक भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स में, उसमें एंजियोग्राफी करके देखा जाता है कि रुकावट है कि नहीं है, और उसके बाद उसमें अगर रुकावट होती है तो एक डिसीजन लेना होता है कि इसको किस तरह प्रोसीड करें। तो उसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स रीजन है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो बाइफर्केशन लीजन लेफ्ट मेन लीजन है, या लॉन्ग लीजन है, कैल्सिफाइड लीजन जहाँ कैल्शियम डिपोजिशन ज्यादा है, तो वहाँ प्लेक कंपोजिशन क्या है, हाउ कैन वी प्रोसीड, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर, जैसे अगर कैल्सिफिकेशन ज्यादा होता है तो उसमें रोटाब्लेशन और टेक्निक्स होती है, अंदर कैसे डीबल करें, बेसिकली रास्ता प्रॉपर कैसे, रुकावट को कैसे खोला जाए। अगर सॉफ्ट है तो कोई परेशानी नहीं होती, अगर कॉम्प्लेक्स है, कैल्सिफाइड है, इस तरह की चीजें, तो उसमें डिफरेंट टेक्निक से रास्ता बनाया जाता है। तो इस चीज को असेस करने के लिए कैसे क्या करना है, हम आईवस और ओसीटी दोनों की मदद लेते हैं। नाउ इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, अभी यूरोपियन सोसाइटी कार्डियोलॉजी की मीटिंग लास्ट मीट हुई है, तो उसमें इट हैज बीन डिफरेंट स्टडीज को लेके आई थी, बाद में एक मेटा एनालिसिस भी आया, किसी भी वजह से डेथ होना रुका है। बाकी जो लीजन के अंदर की जो चीजें होती है कि उस वेसल को दोबारा स्टैंड लगाने या इंटरवीन करने की जरूरत पड़ी, उन सभी में कमी आई। एक बहुत बड़ा इसका कारण यह था कि जो थ्रम्बस होता है, क्लॉट होता है, क्लॉट को बनने से 50% पेशेंट में वो क्लॉट जो अक्सर बन जाता था, जो छूट जाता था, उससे निजात पाई हम, उसी वजह से रिजल्ट आए हैं। तो धीमे धीमे जो चीज है, अनुराग जी, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि बेहतर सफलता मिल रही है, अधिक सटीक तरीके से 3D एंजियोप्लास्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मैं ये कह सकती हूँ? इसमें कोई भी शक नहीं है जी, लेकिन
कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे हम लोग ये टेक्निक अवेलेबल है यूज कम करते हैं, उसका कारण ये है कि इसका रिइंबर्समेंट, इसके जो कोई भी अगर कोई प्रोसीजर होता है उसकी कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, अगर उन चीजों का हम यूज करता है कॉस्ट बढ़ती है, तो कॉस्ट कंस्ट्रेंट होने की वजह से इसका यूज कम है। जितनी आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं या गवर्नमेंट पैनल्स हैं, दे डोंट पे फॉर दिस एफएफओ यू, तो उस वजह से यूज कम है। जापान है, इसमें मोर देन 90% केसेस में इसका यूज करते हैं, और ये स्टडीज में सबसे ज्यादा वहीं से आई है। इवन अमेरिका में इसका, क्योंकि वहां भी इंश्योरेंस को लेकर 20% है, यूरोप में 5% है, ठीक है। देखना पड़ेगा। हाँ, अनुराग अनुराग जी आपसे पूछना चाहूंगी, सर डाइट कैसा ले अगर हम एंजियोप्लास्टी करवा रहे हैं तो डाइट कैसा रहे, या उससे पहले कुछ बदलाव या उसके बाद कुछ बदलाव आप बता सके? इसके अलावा मैं थोड़ा कुछ और बोलना चाहूंगा। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो पहले केसेस जो एंजियोप्लास्टी से नहीं हो पाते तो सर्जरी के लिए रेफर होते थे, तो काफी सारे केसेस जो सर्जरी के लिए रेफर होते थे इन टेक्निक्स के द्वारा वो केसेस को हम कर सकते हैं, उनको बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाईपास सर्जरी मेजर सर्जरी होती है, उसमें रिकवरी टाइम भी काफी लगता है, अगर पेशेंट में कुछ और कोकोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, पेशेंट को अपने काम पर लौटने में अच्छा खासा समय लगता है। मेजर इवेंट इज लाइफ, जहाँ एंजियोप्लास्टी वाली बात है, पेशेंट विद इन 2 days पेशेंट इज मोबाइल, अपना जो है विद इन 15 days ही कैन जॉइन हिज ड्यूटी स्टडीज वर्क, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। पर इस टेक्निक से हम वो अचीव कर पा रहे हैं जो सर्जरी से पहले होता था, तो दिस इज जॉइंट लीप फॉरवर्ड। जहां तक आप डाइट वाली बात कह रही हैं, उसके लिए सबसे जो बाकी कार्डिक पेशेंट्स हैं उनके लिए जो डाइट वाला एस्पेक्ट है वो भी इन्हीं पेशेंट के लिए वो भी वही एस्पेक्ट है, कोई फर्क नहीं है। ऑब्वियसली कि फैट कंट्रोल करना है, प्रोटीन एडिक्वेट लेना है, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बंद करने हैं, ये सब चीजें है ही है। रेगुलर जो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो तो जैसे बाकी कार्डिक पेशेंट के लिए होता है वैसे ही इसमें रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहे तो सर आपने आज बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम लोगों को दी।